है, अब नहीं रहेगा कोई भी नक्सली। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज की लोकप्रिय नेता हैं, बसपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है तो नक्सलियों के लिए हम लोग अच्छे कार्य करेंगे और उनको वापस लाने की भी कोशिश करेंगे। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो हम उनके लिए अच्छे मकान वगैरह जैसी जरूरतों का काम करेंगे और उनको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे नक्सलियों की गतिविधि बहुत हद तक कम हो जाएगी और नक्सली खुद ही खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कहते हैं हम वो करते हैं। मायावती ने यहाँ तक कहा कि अगर हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो हम किसी भी हाल में कांग्रेस और बीजेपी के साथ ना जाकर विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं, बहन कुमारी मायावती ने ये भी कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार का शासन कर चुकी है और आज भी उनको जनता अपने हृदय से याद करती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अच्छे कार्य। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी नहीं है, ये मूवमेंट है जो बहुजन मूवमेंट है और ये बहुजन समाज को जोड़ने का काम करता है, उनकी जरूरतों को समझता है। वहीं मंच से अजीत जोगी ने कहा कि सब मिलकर अगली प्रधानमंत्री मायावती को बनाएं, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती का शासन बहुत जरूरी है। ये थी SM News की रिपोर्ट।